तो दोस्तों अपना भाई थोड़ा सा आ गया प्लान में चेंज। हाँ यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है भाई ज्यादा, कोई शब्द नहीं है बयां करने के लिए। हाँ ये तो यार मैंने दो तीन जगह गाड़ी स्टॉप करी रोकने के। देख लो गाइस आ जाओ मैगी ले लो भाई खा लो, आ जाओ भाई के साथ हमने एंजॉय कर लो। गुड मॉर्निंग एंड राम राम टू ऑल माय एक्टिव फैमिली। तो दोस्तों आप सब कैसे हो यार, आई रियली होप सब बहुत अच्छे होंगे यार। काफी दिनों बाद आज दोबारा मुलाकात हो रही है, बीच में भाई थोड़े काम वगैरह आ जाते हैं, इस चक्कर में ब्लॉग्स वगैरह जो है वो थोड़े से कम हो जाते हैं, बाकी कोशिश रहेगी भाई अब कंटिन्यू डलते रहेंगे सारे ब्लॉग्स। तो आज फिर दोबारा निकल रहे हैं भाई एक बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे, और ये यार अभी तक ज्यादा मैंने जब मतलब देखा एक्सप्लोर नहीं करा कि लोगों ने, थोड़ी सी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है और आई रियली होप आप सबको मजा आने वाला है इस लोकेशन पे भाई। थंबनेल में समझ भी गए होगे भाई क्या रहने वाली है लोकेशन, मैं बता देता हूँ। वैसे आज की अपनी कनाताल एक जगह है, बेसिकली ये पड़ता है देहरादून से थोड़ा सा ऊपर, तो हम लोग जा रहे हैं वहीं। तो आज मेरे साथ जा रहा है छोटा भाई एक और अपना कन्नू। पैकिंग वैकिंग हो गई, ये बैग तैयार, और एज यूजुअल लियो भी गुड मॉर्निंग कर चुका है, सुबह सुबह का टाइम है भाई। तो चलते हैं भाई अपना गाड़ी में और रास्ते से कन्नू को पिकअप करना है, तो पिकअप करके और अपना जर्नी को करेंगे कंटिन्यू। तो ये आगे भाई अपने साथ कन्नू भाई अपने छोटे भाई, और भाई फुल ऑन एक्साइटेड आज है बिल्कुल। मौसम देखो भैया, मौसम तो है ही लाजवाब भाई। ये देखो हम निकले भाई और टाइम अभी हुआ है लगभग 6:25, जब हम निकलते हैं तो मौसम तो सुहावना हो ही जाता है। मौसम तो हो ही जाता है, देख लो भाई सामने कितना सही बारिश का मौसम हो रहा है, और अब नहीं करते भाई जर्नी को स्टार्ट, लेके भोले बाबा का नाम, बोल शंकर भगवान की जय। भाई भोले की नगरी में ही जा रहे हैं तो मौसम तो सुहावना ही होना है, आज लग रहा है भाई बारिश आ सकती है, पूरे पूरे चांसेस है। बाकी पहाड़ों का कोई भरोसा होता नहीं है, पहाड़ों पे जाके तो वैसे ही और अच्छा मौसम मिलने वाला है भाई। कन्नू के साथ ना मेरी पहली ट्रिप है, इसने मेरे साथ 3-4 प्रोग्राम बना लिए, बट किसी कारण से ना भाई कोई ना कोई ऐसा रीजन आ जाता था कि हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता था। आज फॉर्चुनेटली बन गया, आज फाइनली हमारा प्रोग्राम बन गया, और होपफुली आज की ट्रिप जो अपनी बहुत बढ़िया रहे क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया, शुरुआत ही अच्छी हुई है भाई ट्रिप की, तो आगे भी होपफुली सब अच्छा ही रहेगा। तो भाई चलते फटाफट, पहले एक बार टैंक वैंक फुल करा लेता हूँ गाड़ी का, वैसे तो ऑलमोस्ट फुल ही है। और ये देखो भाई सुबह सुबह का सनराइज जस्ट अभी हुआ है, ये अपना गाड़ी का टैंक करा लिया भाई फुल, और सूर्य देव भी आ गए भाई सुबह सुबह। वैसे यार भाई एकदम एस्थेटिक सा लग रहा है, है ना? क्या लग रहा है? एस्थेटिक सा लग रहा है, हाँ व्यू ना, सही कह रहा है, हम भी एस्थेटिक है। तो दोस्तों भाई अपना घर से हम लोग आ लिए तकरीबन 130-140 किलोमीटर के करीब, और हम पहुंचे मुजफ्फरनगर। भाई दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल कनाताल का, और टाइम आई थिंक 5.5-6 घंटे दिखा रहा था भाई, बाकी ये बीच में स्टॉप वगैरह लेके चलते हैं तो एक घंटा तो ऊपर मान ही लो यार इतना तो, क्योंकि अपना घूमने आए हुए भाई कोई किसी तरह का भाई तगाजा नहीं है, और आराम से चल रहे हैं मस्त। क्यों भाई कन्नू कैप वैप लगा के भाई, कूल ड्यूट हो गया तू तो है। मैं सोच रहा था कि जब खेलूं तब तक 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा था अभी यहाँ, मेरे को अभी तो भाई ये देखो 4.5 घंटे का रास्ता और रह रहा है अपना। हाँ वही, और कितना लगभग 200 किलोमीटर हमें लगता है कॉफी ब्रेक की आवश्यकता। अभी हम रुके थे यार एक्चुअली एक फूड कोर्ट आया था बीच में, तो बोर्ड तो लगा हुआ था, बरिस्ता का कॉफी का मन था दोनों भाइयों का हमारा, तो बरिस्ता था नहीं भाई वहाँ, अभी सर्च करा तो आगे है तकरीबन 2-3 किलोमीटर, तो अब चल रहे हैं भाई उधर ही, वहीं अपना आज का ब्रेकफास्ट करेंगे। क्यों कन्नू, कन्नू लेके आया घर से भाई पूरी सब्जी है ना, पीछे रखी हुई है वो तो अपना मस्त सी कॉफी लेंगे और फिर फुल पिकनिक भाई, फुल पिकनिक क्या भाई, फुल ऑन एंजॉय होगा, और फिर अपना भाई कॉफी के साथ नाश्ता करेंगे बढ़िया सा, पूरी सब्जी खाएंगे अपनी घर की। अभी भाई रास्ते में टोल पे रुके थे, तो सेकंड टोल पड़ता है ये दिल्ली से चलने के बाद, वहां हो रही थी चेकिंग इलेक्शन ड्यूटी के चक्कर में, इलेक्शन है भाई हर जगह चेकिंग अच्छी खासी चल रही है, दिल्ली यूपी हरियाणा पंजाब जो भी है सारे से चल रही है भाई, तो वहां चेकिंग वेकिंग हुई थी नॉर्मल। वहां एक पुलिस वाले भाई साहब आ गए थे बैठे, कह रहे जी हमें छोड़ दो 10-1 किलोमीटर आके चेकिंग में हमारी ड्यूटी वगैरह, मैं चलो जी छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही भाई नेपाल ट्रिप जब मैंने करी थी वहां भी नेपाल पुलिस को भी लिफ्ट दी थी,
यहाँ भाई अपना यूपी पुलिस को दे दी, तो ठीक है यार, हेल्प कर देनी चाहिए पुलिस, समाज सेवा करते रहते हैं। हाँ करनी चाहिए। और ये देखो भाई, ये यहाँ पे भी बैरिकेड वगैरह है, ये देखो प्रॉपर चेकिंग हो रही है, ये भाई इलेक्शन के चक्कर में चेकिंग हो रही है और हर जगह चल रही है, ये देखो भाई गाड़ियों की प्रॉपर चेकिंग चल रही है बढ़िया वाली। तो भाई अपना ब्रेक लिया है, नाश्ता ब्रेक सुबह का, और अभी अंदर से जाके स्टारबक्स से भाई कॉफी लेके आए, फाइनली मिल ही गया यहाँ पे। और ये अपना कन्नू भाई हलवा पूरी घर से लाया था, कह रहा भैया यही खा लो, तो नाश्ता टाइम शुरू हो गया अपना। चल भाई स्टार्ट करते हैं कॉफी के साथ भाई हलवा पूरी आज का नाश्ता, तो बढ़िया है जब तक घर का मिल जाए तो भाई क्या दिक्कत है। लॉन्ग रूट पे तो चलता ही है, लॉन्ग रूट पे, लॉन्ग रूट पे भाई एक दिन तो घर का खा ही सकते हैं, बाकी दिन तो बाहर का ही खाना है, तो आज अपना घर का ही खा लेते हैं। चलो भाई खाना खा लेते हैं, अपना नाश्ता कर लेते हैं भाई, और कॉफी के ले लें थोड़े से स्वाद, बढ़िया है भाई। भाई ये देखो आज भीड़ कितनी हो रही है रोड पे ना, ये टोल पे नॉर्मली इतनी भीड़ होती नहीं है इस पे हरिद्वार वाले रोड पे, बट आज वही है वीकेंड आ रहा है भाई, तो सब लोग ही हरिद्वार ऋषिकेश, ये देखो भाई आगे तक जबरदस्त भीड़ है भाई, सब पहुंच रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश। कह रहा था मैं इसको कन्नू को माना नहीं है, मैंने कहा था भाई अगले हफ्ते देख लेंगे, सारे कॉर्पोरेट मजदूर हैं लॉन्ग वीकेंड की तरफ। ये देखो भाई ये प्राइवेट आदमी के अंदर की मन की बात निकल आई। ये जितने भी होंगे आज ज्यादा तो कॉर्पोरेट मजदूर ही होंगे, ये लॉन्ग वीकेंड पे भाग आए हैं। चलो कोई नहीं भाई, सही है घूमना जरूरी है, सही बात है थोड़ा। बाकी भाई मौसम बीच में गर्मी हो गई थी, धूप निकलाई, लेकिन अब दोबारा बारिश का हो रहा है, तो मौसम बहुत बढ़िया और अपना सही साथ दे रहा है भाई बजरंग बली भी ना, मजा आ रहा है चलने में। कोई नहीं बाकी सह लेंगे, थोड़ा थोड़ा सह लेंगे, जब 5 दिन सहते हैं तो 1 दिन और सही है। और क्या। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं भाई गंगा मैया की नगरी में हरिद्वार में, और यहाँ आने में थोड़ा सा आज हमें टाइम लगा, लगभग 5 घंटे के करीब लग गया है, क्योंकि थोड़ा रश था भाई, और अब भी देख लो हरिद्वार में भी सुबह के टाइम हुआ है, अभी 10:45 का टाइम हुआ, फिर भी इतनी भीड़ हो गई है, यहाँ क्राउड काफी आ रहा है। तो भाई यहाँ से अपना अब पहाड़ी रास्ता जो है वो होता है शुरू यार, और अभी यहाँ से अपनी जो डेस्टिनेशन है वो 72 किलोमीटर की रहने वाली है, और लगभग 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, पता नहीं भाई भीड़ ही ज्यादा है या क्या है, खिली खिली सी धूप है, धूप तो खिली खिली गया, थोड़ी तेज ही निकला यहाँ तो भाई, पहाड़ों में एज यूजुअल पता ही आपको धूप तेज होती है भाई, तो धूप तो अच्छी खासी है, और शायद फॉर्चुनेटली हम वो जाम वाला रास्ता वो भी अब छोड़ के जा चुके हैं। हाँ वो तो हमने क्रॉस कर लिया भाई रास्ता, तो जितना भी अपना ऋषिकेश का पैच था वो खत्म हो गया, और वहां से हम क्रॉस करके ऊपर आ गए। चलो पहाड़ स्टार्ट भाई, होपफुली अब थोड़ा सा मौसम अच्छा मिल जाए, बस बारिश और बारिश का तो पता नहीं बने ना बने, पर ये थोड़ा ठंडा सा मौसम मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बाकी अब भाई अपना थोड़ा ड्राइव के मजे लेते हैं पहाड़ों में, क्योंकि तुम्हारे भाई को बड़ा मजा आता है पहाड़ों में गाड़ी चला के, तो कन्नू को थोड़ा मजा दिला देते हैं आज गाड़ी में। चलो भाई ये लो, आप भी एंजॉय करो भाई थोड़े से पहाड़ों के व्यू। कनाताल से जस्ट हम 7-8 किलोमीटर पहले हैं, और मौसम यहाँ पे एकदम सडन चेंज हुआ है भाई, हम अभी यहाँ से देखते हुए आ रहे थे, मतलब एक गांव हमने क्रॉस करा, आई थिंक ये है चंबा, तो क्रॉस कर रहे थे लोग बाग यहाँ पे हमें स्वेटर जर्सियों में हमें दिख रहे थे, तो कन्नू कह रहे भैया ये क्या, मेरे को लगा भाई ये यहाँ थोड़ी बहुत शाम में ठंड होती होगी, तो हमने जैसे ही भाई शीशा खोला अभी हल्का सा एकदम ठंडी हवा आई भाई, और आगे देख लो एक बार चेकआउट कर लो भाई, धूप बिल्कुल नहीं है सामने, क्या मौसम है ये देखो भाई, जबरदस्त मौसम हो रहा है और बिल्कुल ठंड बढ़िया वाली है यहाँ, अचानक सही हुआ है चेंज परिवर्तन मौसम में, उससे पहले तो इतनी गर्मी आ रही थी, हार्डली भाई 2-3 किलोमीटर में एकदम चेंज हो गया मौसम, 2-3 किलोमीटर में
ना उससे पहले इतनी गर्मी थी, एसी चल रहा था, और अब हमने गाड़ी का एसी फिलहाल बंद कर दिया। हमारे पास तो जैकेट भी नहीं है और गाड़ी के शीशे जो है ना भाई खोल लिए, इतनी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मौसम देखो, और मौसम देख लो भाई, एक नंबर का हो रहा है। देखो कती एंडी, क्यों भाई एंडी मौसम हो रहा है कि नहीं, कती एंडी हो रहा है ना। मजा आ गया भाई, जो यहाँ मतलब पहाड़ों में आते है ना भाई जिस चीज के लिए, वो मिल गया यहाँ। ये देखो भाई कितनी प्यारी लोकेशन आ गई यार, जंगलों में से जी कसुत्ता स्वाद आ गया ना, जी सा आ गया भाई छोरे का, तो सफल हो गया कन्नू में लाना ना फिर तो भाई। थोड़ा सा कर से ज्यादा लेफ्ट में राइट में हर जगह ना पेड़ वो पनोपी टाइप बना रहे हैं। और मेन बात है भाई यहाँ पे ना मौसम जो है एकदम चेंज हुआ है, देख लो शीशे खोल के गाड़ी चला रहे, मजा आ रहा है। और यहाँ अल्टीमेट तो दोस्तों अपना भाई थोड़ा सा आ गया प्लान में चेंज, क्योंकि मौसम हो रहा इतना हसीन। चेकआउट कर लो यार एक बार, ये देखो भाई लाजवाब शानदार, कति कसुत्ता है मौसम हो रहा है भाई। और जैकेटें पहन ली हमने, देख लो कन्नू ने भी और भाई आपके भाई ने भी जैकेट पहन ली है, क्योंकि यहाँ चल रही है ठंडी हवा। और प्लान अभी थोड़ा सा ये हो गया भाई, हम रुके हैं अभी अपना लगभग यहाँ से ज़्यादा नहीं 10 किलोमीटर मुश्किल से रह रहा है, 10 या 15 इतना ही रह रहा है। तो यहाँ अभी अपना मन करके मैगी खाने का, कन्नू कह रहा भैया इतना शानदार मौसम और पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खवाई आपने तो क्या फ़ायदा। तो मगर भाई चल मैगी खिला देते हैं, अपना तो ताम झाम सारा पड़ा गाड़ी में भाई। तो अभी यहाँ पर मस्त अभी मैगी बनाते हैं और मैगी खाएंगे और भाई इस नज़ारे के साथ मस्त मज़ा लेंगे गर्मा गर्म मैगी का। आज थोड़ी सी कसर रहेगी भाई, कसर ये रहेगी चाय वगैरह का इंतजाम नहीं करके लाए हम, गर्मा गर्म मैगी के साथ चाय और हो जाती तो मज़ा आ जाता है ना शानदार। तो कोई नहीं भाई फिलहाल तो अभी ताम जाम निकाल के और अपना मैगी बनाते हैं। और जो भाई फील लेने आए थे ना बाकी पहाड़ों में ठंड मेन, वो मिल गई यहाँ मज़ेदार। और हो सकता बारिश भी आ जाए यहाँ तो सोने पे सुहाग का काम हो जाएगा भाई। तो भाई मैगी का प्रोसेस ना बनने का चालू कर दिया है और हल्की सी धूप भी निकलाई है तो और मज़ा आ रहा है यहाँ, हल्की हल्की धूप। और भाई सामने नज़ारा देख रहे हो, अल्टीमेट नज़ारा है, मतलब कि लोकेशन भी बहुत प्यारी मिल गई है यार। और एक्चुअली लोकेशन ये थी इसलिए मैगी का भी मन कर गया हमारा। देख लो गाइस आ जाओ मैगी ले लो भाई, खा लो आ जाओ भाई के साथ, अपना एंजॉय कर लो, गर्मा गर्म मैगी तैयार हो रही है भाई। तो भाई किसी भी भाई का किसी भी सब्सक्राइबर का मेरे साथ कहीं भी चलने का मन होना भाई इंस्टा पे मैसेज करना तुम्हारे भाई के साथ हमेशा। मैंने पिछली बार स्पीति सीरीज में भी कहा था मैं हमेशा रेडी हूँ अपने सब्सक्राइबर को ले जाने के लिए भाई। तो यही है यार अपना, घूमो फिरो मौज करो ऐश करो यार, और क्या है ज़िंदगी में, यही नहीं करा तो क्या फ़ायदा। तो भाई अपना मैगी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और अब खाते गर्मा गर्म मैगी और अपना नज़ारे का लेते हैं भाई मज़ा। तो गाइस अपना भाई मैगी ब्रेक जो था वो हो गया, दोनों भाइयों ने भाई मैगी के ले लिए पूरी तरह स्वाद, मज़ा आ गया। हाँ भाई कन्नू इसका मेरे साथ ना पहला एक्सपीरियंस है, ये पहली बार आया तो कैसा लग रहा है भाई? कोई शब्द नहीं है बयां करने के लिए, तारीफ करो क्या उसकी जिसने आपको बनाया। क्या बात है भाई। अरे मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की हम किसी, मतलब ऐसा सिर्फ सोचा था मैंने कि हम किसी ट्रिप पे आ रहे हैं, हम रास्ते में गाड़ी रोक रहे हैं और यहाँ पे राइट साइड में पहाड़ है, मौसम बढ़िया है और मैगी खा रहे हैं और उसको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है बयां करने के लिए भाई। नो डाउट एक्सपीरियंस है, मौसम तो वाकई में तेरा लक अच्छा था कि तुझे भी ऐसा मिल गया। लोकेशन हमने वेट करा, हमें तभी लोकेशन मिली, नहीं तो हम कितना सोच रहे थे कि यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं। हाँ ये तो यार मैंने 2-3 जगह गाड़ी स्टॉप करी रोकने के लिए पर कन्नू कह रहा फील नहीं आ रही भैया, फील नहीं आ रही। चल भाई फील जाएगी वहाँ रुकेंगे आराम से, गिरना चाहिए अभी अभी पीछे हो जाता फील आ जाती आराम से भाई। यहाँ पे जंगल है, जंगलों के बीच में मैगी बनाई है तो उससे अच्छा क्या एक्सपीरियंस होगा। जंगल में मंगल है, जंगल पीछे भी जंगल आगे भी जंगल सामने खाई। हाँ ये थोड़ी सी भाई मतलब कच्ची सड़क है, कोई गांव आगे कोई गांव होगा उसको कनेक्ट कर रही है, तो हमने आराम से गाड़ी रोकी साइड में और बैठने बैठने की जगह थी, ट्रैफिक भी नहीं आ रहे तो अपना बैठ के आराम से मैगी वैगी बना के। और व्यू तो भाई था ही अल्टीमेट, यहाँ पे कोई शब्द ही नहीं है भाई इनके लिए, तो जो नज़ारा है ना ये अल्टीमेट। अच्छा एक चीज और अच्छी है यार यहाँ उत्तराखंड में ना, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है,
तो ऑक्सीजन की जो है कमी नहीं लगती। आप हिमाचल साइड जाते हो ना थोड़ा, तो जितना एलिवेशन बढ़ता रहता है तो ऑक्सीजन की जो है कमी लगती है, क्योंकि वहाँ ग्रीनरी कम है। बाकी यहाँ भाई बिल्कुल भी मतलब सांस वास कुछ भी नहीं फूल रहा, बढ़िया अल्टीमेट रह रहा है यहाँ, तो मज़ा आ गया। तो थोड़ा अपना भाई एंजॉय कर ले और नज़ारे का, और उसके बाद अपना चलेंगे भाई आगे कनाताल पहुँचेंगे उसके बाद, क्योंकि हार्डली 10 किलोमीटर मैंने बताया था आपको रह रहा है, तो 20-25 मिनट और लगनी है अपने को बस। तो अपना भाई गाइस यहाँ पे बैठ लिए हैं और अब चलने की तैयारी हो गई है। और भाई एक देख लो यहाँ पे कुछ भी गंदगी नहीं फैलाई है, यहाँ बैठे थे हम लोग कुर्सी डाल के, जितना भी कूड़ा है ना अपना गाड़ी में रख लिया अंदर। तो भाई ये आप सबके लिए है कि कहीं भी जाओ तो यार गंदगी मत फैलाओ, अपना ही देश है, साफ सुथरा रखो इसको। और स्पेशली ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस पे जहाँ पे नेचर ज़्यादा अच्छी है और प्रिजर्व्ड है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई पॉपुलेशन भी नहीं है। हाँ यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है भाई ज़्यादा, और गंदगी भाई कोशिश ये करो अपना कम से कम गंदगी हो यार, जितना आप कोशिश कर सकते हो भाई, आप कोशिश करोगे जब ही बढ़ेगी बात। तो हवा तेज हो गई है भाई, कॉलर तक ऊपर तक बंद कर लिया जैकेट, ये देखो हवा। तू भाई मोटा है, मोटे आदमियों को कहाँ इतनी ठंड लगती है, चर्बी रोक लेती है ना, घर सर्दी नहीं लगने देती। तो भाई अपने लगेज वगैरह जो है वो जा रहे हैं, भाई लेके जा रहे हैं अपना। तो फाइनली भाई हम पहुंच गए कनाताल, अपना जो मेन लोकेशन थी वहां पहुंच चुके हैं। और एक बार भाई यहां का नज़ारा चेकआउट कर लो दोस्तों, ये कुछ नज़ारा है। गाड़ी अपनी पार्क कर दी है यहां पे एक तरफ, और अब अपना हम लोग जा रहे हैं भाई अपने स्टे की तरफ। तो इस व्लॉग को भाई मैं करता हूँ यहीं एंड, काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि व्लॉग और जर्नी भी काफ़ी हो गई है भाई। तो भाई यहाँ कनाताल पहुँच गए, इस व्लॉग को करते यहीं है। तो भाई नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं आपको अपना पूरा प्रॉपर्टी कैसी रहने वाली है और कनाताल में हम क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड राम राम।